बॉलीवुड और पंजाबी सिंगर नेहा कक्कड़ इन दिनों बॉलीवुड में काफी फेमस हो रही हैं। ज्यादातर नई फिल्मों में एक न एक गाना उनकी आवाज में सुनने को मिल ही जाता है। नेहा कक्कड़ के फैंस की तादाद भी तेजी से बढ़ती जा रही है। फैंस उनके बारे में हर छोटी से छोटी बात जानना चाहते हैं। यही कारण है कि नेहा कक्कड़ हर छोटी से छोटी बात को लेकर सुर्खियों में आ जाती है। नेहा कई दिनों से सुर्खियों में चल रही है। इस बार सुर्खियों में अपने किसी हिट गाने की वजह से नहीं बल्कि अपनी शादी को लेकर चर्चा बटोर रही है। इंडियन आइडल 11 की जज और सिंगर नेहा कक्कड़ और आदित्य नारायण जल्द ही शादी करने वाले हैं। वैसे ये बात हम नहीं बल्कि आदित्य नारायण ने खुद शो के सेट पर कही थी। हालांकि ये सब मजाक में कहा था लेकिन कहीं ना कहीं नेहा और आदित्य की पिक्चर्स इसकी ओर इशारा कर रही हैं। वहीं ऐसे में नेहा कक्कड़ के भाई टोनी कक्कड़ ने भी उनके लिए खास प्लानिंग की है। टोनी जो कि एक सिंगर हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिसका टाइटल गोवा बीच रखा गया है। इस वीडियो में नेहा कक्कड़ और आदित्य नारायण नजर आने वाले हैं, ऐसा उन्होंने दावा किया है। टोनी कहते हैं कि मुझे लगा कि नेहा और आदित्य 14 फरवरी को शादी कर रहे हैं तो इनका एक वीडियो बनाना तो बनता है ना। हालांकि दोनों अभी भी सिंगल ही हैं। इस मजाक पर नेहा कक्कड़ वीडियो में हंस देती हैं। वीडियो में आदित्य टोनी को साला भी कह रहे हैं। गोवा बीच वीडियो 10 फरवरी को रिलीज हो रहा है। ये वीडियो तब का है जब गोवा बीच सॉन्ग की पूरी टीम गोवा में शूटिंग कर रही थी। ये बातें हम सभी जानते हैं कि ये सिर्फ एक मजाक में कही हुई बातें हैं। दोनों शादी के बंधन में नहीं बंधने वाले हैं और ये सारी बातें सिर्फ मजाक और मजाक में ही कही गई हैं। लेकिन ये बातें सिर्फ मजाक में ही क्यों ना कही गई हूँ, लेकिन ऑडियंस को आदित्य और नेहा की केमिस्ट्री देखना काफी पसंद है। ऐसे में अगर ये दोनों साथ होते हैं तो ये जानना तो बनता है ना कि इन दोनों की कमाई कितनी है और कमाई के मामले में कौन किससे कितना आगे है। बात करें कमाई की तो नेहा कक्कड़ कमाई में आदित्य नारायण से काफी आगे हैं, जबकि आदित्य नारायण फेमस सेलिब्रिटी सिंगर उदित नारायण के बेटे हैं जिन्होंने 90s में अपने गानों से लाखों लोगों के दिलों में राज किया था। इसके बावजूद भी उन्हें एक एपिसोड के लिए नेहा कक्कड़ से कम फीस मिलती है। अगर सुरों की मलिका नेहा कक्कड़ की फीस के बारे में जानना चाहते हैं तो आज हम आपको उनकी फीस के साथ उनकी प्रॉपर्टी के बारे में भी बताने जा रहे हैं। नेहा ने इंडियन आइडल 2 में पार्टिसिपेट किया था, हालांकि वो उस शो को जीत नहीं पाई थी। इसके बाद 2008 में नेहा को मीत ब्रॉस द्वारा कंपोज एल्बम नेहा द रॉक में गाने का मौका मिला। नेहा कक्कड़ फिल्मों में गाने के अलावा कई लाइव शोज भी कर चुकी है। उनके सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंस्टाग्राम पर उनके 30 मिलियन फॉलोअर्स हैं। वो अपने सोशल मीडिया के जरिए भी लाखों कमाई करती हैं। नेहा अपने छोटे भाई टोनी कक्कड़ के साथ कई गाने गा चुकी हैं और एल्बम सॉन्ग्स भी रिलीज कर चुकी है। खबरों की माने तो नेहा कक्कड़ एक गाने के लिए 10 से 15 लाख रुपए की फीस लेती है, जबकि आदित्य नारायण को एक गाने के लिए सिर्फ 5 से 6 लाख रुपए ही मिलते हैं। गौरतलब है कि उन्हें महंगी कारों का भी बहुत ज्यादा शौक है। इसके लिए उनके पास ऑडी, रेंज रोवर के अलावा मर्सिडीज जैसी कई महंगी कारें भी हैं जो उन्होंने हाल ही में खरीदी हैं। बात करें नेहा कक्कड़ की कुल संपत्ति की तो वो 50 से 60 करोड़ की संपत्ति की मालकिन है, जबकि आदित्य नारायण इसके आसपास भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आदित्य नारायण के पास करोड़ों की प्रॉपर्टी नहीं है, उनके पास भी काफी प्रॉपर्टी है मगर वो उनके पिता के नाम पर है। अब बात अगर इंडियन आइडल 11 के एक दिन की फीस की करे तो यहाँ भी नेहा उनसे काफी आगे है, क्योंकि नेहा इंडियन आइडल को जज करती है, वहीं आदित्य नारायण इस शो के होस्ट है। इस वजह से इन दोनों की फीस में अंतर होना तो लाजमी है। नेहा एक एपिसोड के लिए 7 से 8 लाख रुपए चार्ज करती है, जबकि आदित्य नारायण को सिर्फ 3 से 4 लाख रुपए पर एपिसोड मिलते हैं। HS न्यूज के लिए प्रज्ञा शुक्ला की रिपोर्ट। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।